सेकंड आपके पास में है क्यूब, क्यूब क्या होता है लाइक ऐसा 3D फिगर जिसके अंदर 6 स्क्वायर होते हैं, है ना, या फिर आप ऐसा एक ऐसा रूम मान लो अपने घर का जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों क्या हो, सेम हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम हो, मान लो 10 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर लंबाई, 10 मीटर ऊंचाई, ठीक है, ये अपना रूम है, इसकी लेंथ जो होती है उसको ए मान ली, इसकी साइड वही इसकी ब्रीथ होती है और वही इसकी हाइट होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्यूब, हिंदी में बोलते हैं घन, ठीक है। तो इसमें भी आपको एल ए से निकालना है, टी ए से निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, कैसे आएगा, इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा, ये जीनोन फॉर्मूले लग जाएंगे, क्यों लग जाएंगे, क्योंकि देखो ऊपर और नीचे दोनों जगह स्क्वायर है, वर्ग है, दोनों दिखने में एक जैसे, इनका इसका फॉर्मूला भी साइड इन टू साइड, मतलब ए स्क्वायर आएगा, ये भी ए स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट चीज, फर्स्ट आपके पास में इसमें है एल एस ए ऑफ क्यूब, एल एस ए ऑफ क्यूब, एल एस ए ऑफ क्यूब, इसको अपन ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस क्या है, स्क्वायर शेप में है ना, स्क्वायर शेप में है, वर्गाकार है, तो वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, और भुजा मैंने क्या ले रखी है, ए, 4 इंटू साइड होता है ना, और इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट भी ए ही है, तो ए 4AA, तो क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर हो जाएगा ना, ये फॉर्मूला ही तो होता है, ठीक है। अगला देखो टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड, टी एस ए ऑफ क्यूब, उसके बाद आपके पास आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, उसके बाद आपके पास आएगा डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखो, एल एस ए ऑफ क्यूब का मतलब क्या होता है, एल एस ए ऑफ क्यूब का मतलब होता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 4 इंटू ए स्क्वायर, है ना, ए का मतलब साइड, ए का मतलब भुजा साइड, है ना। अब देखो यहां पर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, आपको पता है टीएसए का मतलब क्या होता है, सीएसए में, ये सीएसए है, इस सीएसए में टॉप का जोड़ दो, टॉप क्या है, वर्गाकार है, स्क्वायर शेप में, तो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, अच्छा और नीचे भी ए स्क्वायर ही होगा, तो कितना हो गया, 4 और ये 1 और ये 1, 6A स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसको क्या बोलते हैं अपन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना, किसी 3D शेप का वॉल्यूम निकालना, किसी भी 3D शेप का वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन जिसमें टॉप और बॉटम का एरिया इक्वल होना चाहिए, शेप इक्वल होनी चाहिए, आधार का क्षेत्रफल, बेस ऑफ एरिया, एरिया इस बेस कैसा है, स्क्वायर शेप, बेस का एरिया क्या होता है, ए इंटू ए, क्या होता है, ए इंटू ए, या ए स्क्वायर लिख सकते हो आप इसको, इंटू हाइट, हाइट क्या है, हाइट भी ए ही है, ए की पावर 2 और ए की पावर 1 मल्टीप्लाई होकर ए की पावर 3 हो जाएगा ना, ए क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अच्छा डायगोनल पे आओ, डायगोनल में आपको जैसे मैंने बताया था वैसे निकाल लो, जैसे आपको मैंने बताया था वैसे निकाल लो, या फिर देखो बताया क्या था मैंने, क्या पता इस बार समझ में आ जाए आपके, है ना, वैसे आपके लेवल की चीज है नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। देखो मैं क्या कह रहा था कि एक ऐसा कमरा है जिसकी लंबाई फड़ाई ऊंचाई समान है, एल बी एच तीनों इक्वल है, तो उसमें ये ऐसी रोड रखेंगे अपन, इसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो अगर मान लो ये हाइपोटेनस है, तो ये जो दीवार आ रही है H, ये क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और ये नीचे जो आपके पास में फ्लोर है ना, ये नीचे आपके पास में फर्श है, इसके बीच का डायगोनल है ना, ये इसका बेस हो जाएगा, तो जो नीचे डायगोनल है ना, नीचे डायगोनल वो कैसे निकलेगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई से, क्योंकि उसके सामने हाइपोटेनस है ना, वो कर्ण है, तो वो क्या हो जाएगा, ए लेंथ भी ए ब्रिथ भी है, तो वो हो जाएगा रूट में, रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2A स्क्वायर, ये वाली जो है ना इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये 90 के सामने है ना, ये ए है, ये भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2A स्क्वायर, ठीक है ना, और ये क्या है, ये ए है, ये ए ही तो है हाइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास में रूट में 2A का स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट का तो स्क्वायर हट जाएगा ना, तो टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में थ्री ए स्क्वायर, रूट में थ्री ए स्क्वायर। बाहर निकालना चाहो तो निकाल लो इसको, ए बाहर निकल जाएगा, अंदर रह जाएगा थ्री, अंदर निकल जाएगा आप, अंदर रह जाएगा आपके थ्री। तो ये होता है डायगोनल ऑफ क्यूब ए रूट थ्री, क्या होता है ए रूट थ्री। आपको सीधा बोले कि आपके पास में एक क्यूब क्यूबिकल शेप का रूम है, उसके अंदर लंबी से लंबी लॉन्गेस्ट जो रोड रखी जा सकती है उसकी लेंथ बताओ, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, उसकी साइड तो देंगे ही आपको, साइड देंगे भुजा देंगे, करना है क्या है भुजा रूट तीन लिखना है डायरेक्ट आंसर आपका, क्योंकि इस बार आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे 20, ठीक है ना। तो डायरेक्ट बिना सोचे समझे जितनी साइड दे दे क्यूब उस रूम की, रूम लेकिन है ना घनाकार नहीं, घनाकार होना चाहिए, क्यूबॉइडिकल शेप का नहीं क्यूबिकल शेप का होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिख दोगे साइड उसकी जो भी है 10, मानो 10 दे रखी तो 10 रूट थ्री, खत्म। मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, जो भी दे आपको फिट दे, किलोमीटर दे, मीटर दे, सेंटीमीटर दे, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बाकी आपके मीटर ही मिलेगा रूम में तो ए रूट थ्री। तो आपके चार फॉर्मूले हो गए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, इसको हिंदी में लिख लो, हिंदी में क्या कहते हैं इसको लिख लोगे वैसे तो आप सभी समझदार हो, घन का विकर्ण। ये आपके आठ फॉर्मूले हो गए, बन किससे रहे इन्हीं तीन जीनोन फॉर्मूले से, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चले आगे, एक चीज और है, देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, अगर आपको क्यूबॉइड के बारे में पता है चारों फॉर्मूले, तो उस क्यूबॉइड में आपको जहां एल और बी और एस दिख रहा है ना, वहां एल की जगह भी, बी की जगह भी और एच की जगह भी ए लिख दो आप, क्या लिख दो ए, तो वो फॉर्मूला आपके क्या बन जाएगा, ये चारों फॉर्मूले बन जाएंगे। उस वाले चारों फॉर्मूले में जहां आपने एल बी एच रखा है ना, वो चाहे एल एस से हो चाहे टी एस से हो चाहे वॉल्यूम ऑफ चाहे डायगोनल हो, वहां एल बी और एच तीनों की जगह ए रख दो तो आपके ये वाले फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है ना, रख के देख लेना आप, बाकी आपको डायरेक्ट कैसे बने वो आपको बताई दिए मैंने ना।